चुनावों का समय है और चुनावी प्रचार हर जगह चल रहा है और मैं इस वक्त हरियाणा के फुकना नगर गांव में खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि खेत है ये और भिंडी आप देख सकते हो, भिंडी यहाँ पर लगी हुई है। घर में हम खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमें भिंडी खाना, तो ये भिंडी का खेत है एक तरफ। दूसरी तरफ आप देखें तो बीन्स यानी कि जो फलियाँ होती हैं वो लगी हुई हैं और गाँव की जो महिलाएँ हैं वो अपना काम करती हुई नजर आ रही है। आप बताइए, ये आप भी फुकना नगर में रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये आप लोबिया की फलियां मुझे, अच्छा आपने पीछे ये लगा रखा है, अच्छा तो ये भी एक नया तरीका है कि आपको ना थैली लेके आने की जरूरत कोई नहीं है, आप अपने साड़ी को ऐसे फोल्ड करो और पीछे आप ऐसे अपने सामान को रखते जाओ। तो ये लोबिया की फलियां हैं, ये तोड़ी जा रही हैं, फलियां तो टूट रही हैं, तो आप रोज आती है तोड़ने? तीसरे दिन टूटता है। अच्छा, तीसरे दिन टूटता है, तो ये घर के लिए तोड़ रही हैं कि कैसे, किसके लिए तोड़ रही हैं? मंडी में जाएंगे। अच्छा, पहले आप यहाँ से उगाएंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर सब्जी मंडी में आप बेचेंगे सुबह। अच्छा, सब्जियाँ इतनी मेहनत से आप लोग उगाते हो, सही पैसा मिल जाता है मंडी जाने पे? ये पैसा मिला है, मेहनत भी ना मिले हमने तो। हाँ। अब इसमें कीड़ो लग रहा है, इतना की बिकेगी ना, इतना की दवाई गिर जाएगी इसमें। अच्छा, फिर हम क्या काट अच्छा, उतनी जितनी मेहनत लगती है उतना मेहनताना नहीं मिल पाता है, ताना ना मिला है। अच्छा, और भी दादी भी है, एक दादी से भी बात करेंगे, वो भी बहुत मेहनत कर रही है यहाँ पे और दादी भी फलियाँ तोड़ रही है। दादी ये बताओ कि आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम संतोष है। अच्छा, तो संतोष है, तो सरकार के काम से संतोष मिल रहा है कि नहीं? ना मिल रहा है। वोट डालने जाओगी, गिरने जाओगी वोट डालने? हाँ। तो वोट गिरने जाओगी तो क्या सोच के जाओगी? अब की मैं तुम्हारी पेंशन बंधाओगा ना, जय की गेरा नाम। अच्छा, जय पेंशन बंधाएगा उसी को गेरोगे आप। हाँ। 60 साल की उम्र में भी दादी खेतों में काम कर रही है और भी आप देखें तो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ये बताइए आपने तो बहुत सारी, अरे बड़ी आपने तो बड़ी कम फलियाँ तोड़ी हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, पूनम आप पढ़ते हो? 12th की है। 12th की है, तो अभी क्या सोचा है आगे? सरकारी स्कूल से पढ़े हो? हाँ। कैसी पढ़ाई होती थी? अच्छी पढ़ाई होती थी। पढ़ाई अच्छी होती थी? हाँ। अच्छा, तो अब 12वीं तो कर ली। हाँ। अब 12वीं के बाद क्या सोचा है, क्या करना है? आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ। घर के नहीं पढ़ाते हैं? घर के नहीं पढ़ाते? घर के नहीं पढ़ाते, ऐसा क्यों भाई? दादी क्यों नहीं पढ़ाते आप भाई? कहते हैं 12th कर ली, आगे कोई पढ़ाएगा तो अपना पढ़ा लेगा। अच्छा, आगे कोई पढ़ाएगा मतलब अब कौन पढ़ाएगा, वो कोई शादी करने की बात है क्या? हाँ। अच्छा, तो आपका मन है पढ़ने का? है, है। तो सरकार बच्चियों के लिए तो अब कह रही है कि स्कूटी देंगे। हाँ। और खाते में भी पैसा आएगा, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? ये सारी बातें पूरी होंगी तो आप फिर शायद पढ़ पाए, ऐसा क्या लग रहा है कुछ? बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की लग रही है, ऐसा क्यों भाई, क्यों लग रही है? क्या अच्छा काम लग रहा है? काम मोदी जी के बारे में तो सुना होगा ना आपने। हाँ। सैनी सरकार के बारे में सुना होगा ना हरियाणा के, तो क्या अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने? मोदी ने अच्छे ही काम किए हैं। अच्छा, स्कूल में भी पंखे वगैरह लगवा रखे हैं। अच्छा, पहले नहीं थे पंखे? थे, लाइट नहीं आती थी सरकारी स्कूल में। अच्छा, अब आती है? अब आती है। अच्छा, तो फिर आपकी तो 12वीं हो गई, अब आपका कॉलेज जाने का सपना है, तो आप चाहते हो कि ऐसा कुछ कर दें कि आप आगे की पढ़ाई कर पाओ? हाँ। यस। अरे वाह कति, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हो आप, तो अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं यहाँ सरकारी स्कूल में? पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ। तो पूनम, ये दादी भी हैं यहाँ पे, मम्मी भी हैं, पापा हैं घर में, तो ये सब काम देखते हो आप, तो डेली आते हो उनके साथ? हाँ। और साथ ही साथ बिजली की समस्या बहुत है कि बिजली थोड़ी देर के लिए आती है, इन्वर्टर का खर्चा बढ़ाती है, पानी खरीद के पीना पड़ता है, खेतों में 300 रुपए की दिहाड़ी है और उस दिहाड़ी से क्या वो खरीदें, क्या वो बचाएं, तो यही इनके मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ 5 अक्टूबर को वो अपना चुनाव जो मतदान केंद्र है वहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचेंगे। हरियाणा से वीजे प्रदीप के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट। We'll be right back.